Tiki. अल्लाह जी किया तो बड़ों ने फर्स्ट टाइम क्या आखिरी टाइम भी किया दोनों अजीज बोलो मुझे लगा कि दोनों के आता है मुझको आता है ये दिल का रहा है कोई तो बताए लास्ट मैंने पूछ रही है लज डर और तोबा तोबा कर अच्छा ले चल दबाओ दबाओ वैसे मैं तैयार हूँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ आपकी होस्ट फ़िदा मलिक और आज टिक टिकी के प्लेटफॉर्म में हमारे साथ मौजूद हैं कंवल आफ्ताब जिनके साथ आज हम टिक टिकी लगाने वाले हैं और मज़े मज़े के सवालात करने वाले हैं जी तो कंवल आफ्ताब कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं तो क्या ऐसी चीज़ इंस्पायर की थी जो कि आप टिकटॉक में ज़्यादा आपका रुझान टिकटॉक की तरफ ज़्यादा हो गया बेसिकली मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वो सब लोग ये पूछते हैं कि क्या ऐसी चीज़ इंस्पायर की थी वहाँ पे इंस्पायर कुछ नहीं है टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे जितने भी यंगस्टर हैं वो वहाँ पर आके अपना कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं एक्टिंग स्किल दिखा सकते हैं सिंगिंग स्किल दिखा सकते हैं डांसिंग स्किल दिखा सकते हैं देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स तो टिकटॉक मुझे इसलिए इंस्पायर किया क्योंकि वहाँ पर जैसे स्नैपचैट हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम गाना पीछे चल रहा होता था और वीडियोज़ बनाते थे तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको साउंड मिलेगा वहाँ पर आपकी इफ़ेक्ट्स होंगे और मज़े मज़े की वीडियोज़ ट्रांजिशन वगैरह हालांकि मुझे ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं आती और स्लोमोस तो मेरे बेड़ा गर्क हैं लेकिन हाँ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो रीटेक भी बार बार आते होंगे और मैक्सिमम मैं 3 से ज़्यादा रीटेक नहीं लेती क्योंकि 3 से ज़्यादा लूँ तो मैं खुद आवाज़ार हो जाती हूँ मोबाइल बंद कर देती हूँ अच्छा मैंने देखा कि टिकटॉक पे ज़्यादातर नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ गई है और कुछ अजीब अजीब से लोग टिकटॉक बनाने लग गए हैं तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका एक्चुअली टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक बंदा नहीं यहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटी को आप देखेंगे जिसमें एलीट भी होगी मिडिल क्लास भी होगी लो क्लास भी होगी तो वो जितनी भी कम्युनिटी है ना कम्युनिटी में मसला ये है कि हर बंदा चाह रहा है कि वो फेमस हो चाहे वो अच्छे तरीके से फेमस हो चाहे वो बुरे तरीके से फेमस हो तो लोगों की बस जद्दोजहद यही है कि वो जल्दी से फेमस हो तो इसीलिए वो कुछ गलत काम करते हैं और कुछ और ऊपर से हम पाकिस्तानी आवाम है कि अगर वो इतनी बुरी वीडियो बना रहे हैं तो आप उसको इतना लाइक क्यों कर रहे हो आप उसके फॉलोअर्स इतने बढ़ा रहे हो आप उसको मतलब अप्रिशिएट कर रहे हो अगर वो गाली दे रहे हो तो आप उसको हज़ार हज़ार लाइक कर रहे हो मतलब मिलियंस में आप व्यूज़ दे रहे हो तो उस बंदे ने कहना ठीक है मैं गाली निकालता हूँ मैं आगे पहुँचाता हूँ तो ये टिकटॉक की पेमेंट वगैरह भी होती है मतलब ज़्यादातर आपके लाइक्स हों तो पेमेंट भी होती है तो आपको लगता है कि नेगेटिविटी शायद इस वजह से लोग कर रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा इंक्रीज़ हों और हमें पेमेंट हो और लाइक इन चक्रों में एक्चुअली टिकटॉक पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं है जब वो ऑफिशियल होगी तब पेमेंट मिलेगी उससे पहले नहीं मिलेगी पर ये है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हों उन्हें ये होता है कि उन्हें कंपेन्स मिलती हैं और वो पेड होती हैं जिससे पैसे आपको मिलते हैं लाइक नहीं मैटर करते और आपकी व्यूअरशिप मैटर नहीं करती ये मैटर करता है कि आपको कंपेन कितनी मिली है और वहाँ से पैसे कितने मिले तो कंवल बताइएगा कि आप रिपोर्टिंग भी कर रही हैं और होस्टिंग भी कर रही हैं तो आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है या टिकटॉक ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग आपको होना चाहिए ना कि चीज़ों को जो आप कर रहे हो तो मैं होस्टिंग करती हूँ मैं शो करती हूँ मेरे लिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि मैं उसे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करती हूँ और जब मैं टिकटॉक बनाती हूँ तो वो भी इंटरेस्टिंग होती है तो मेरे लिए दोनों एक ही है टिकटॉक पे कोई आपका क्रश क्रश कोई नहीं है क्योंकि अगर एक को कहूँगी तो दूसरे ने नाराज हो जाना क्रश कोई मतलब एक से ज़्यादा क्रश है नहीं नहीं क्रश नहीं है कोई पर ये है कि कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं टिकटॉक पर अच्छा रीता तब से आपने लगाई हुई है टिक टिकी टिक टिकी टिक टिकी ये टिक टिकी है क्या मतलब ये नाम क्या सोच कर रखा आप लोग एक्चुअली कंवल टिक टिकी का भी वही रोल है जो हमारी फूफो अदा करती है और इसी तरह ही आज हमने आपको टिक टिकी के प्लेटफॉर्म पे पकड़ लिया और आपसे कोई चटपटे से सवाल कर मतलब कि जितने भी लोग आपका यूट्यूब चैनल देखेंगे उनकी टिक टिकी लगी रहेगी कि ये किसकी टिक टिकी लगाने वाले हैं ये टिक टिकी बेसिकली आपकी लग रही है जो वो इन्जॉय करेंगे हम ऐसा अच्छा वो इन्जॉय करेंगे चलो बेस्ट ऑफ लक आपका ऐसा निकनेम जो कोई नहीं जानता माटे
ये बेसिकली माटे, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे मेरे नानो बोलते हैं, नाना अबू, उनको मैं नानो कहती हूँ, मेरी नानो मी के भाई बताती चलो, तो वो मुझे कहते हैं माटे, बचपन से माटे कहते हैं, अभी तक माटे ही चल रहा है। तो घर में सारे ही आपको माटे के नाम से जानते हैं? हर बंदे ने अपना नाम वखरा रखा हुआ है, कोई माटे बुला रहा है, कोई कवली बुला रहा है, कोई कवले बुला रहा है, मतलब कोई एक नाम नहीं है, पर माटे कोई नहीं जानता। फर्स्ट टाइम आपको जिसने प्रपोज किया था, कैसे किया था, क्या नाम है उसका? यार आप लोग, आपका क्या रिस्पॉन्स था? यार मुझे लग रहा है कि अब वाकई मुझे लग रहा है कि मैं टिक टिकी के प्लेटफॉर्म में आई हूँ, क्योंकि आप मेरी वाकई टिक टिकी लगाना चाह रहे हैं। और प्रपोज उसने बड़े अच्छे तरीके से किया था, बड़े प्यारे तरीके से किया था और क्यूट तरीके से किया था, और मैंने रिजेक्ट कर दिया था, जिसका शायद मुझे उस टाइम थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और नाम रिजेक्शन की कोई अफसोस हो रहा हो कि आपने क्यों रिजेक्ट किया उस टाइम पे? या कोई अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ों के साथ था उसका, छोड़। ये आपको बाद में पता चला था? ये मुझे बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया था। अच्छा, तो मतलब बाद में भी आप फॉलो अप लेती रही हैं? नहीं, फॉलो अप नहीं लेती रही, मतलब मेरी नज़र से, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है और छोटी सी भी दुनिया है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा मिल जाता, तो वो फिर के वही घूम फिर के आपकी फ्रेंड्स ने भी कहा होगा कि भाई इसने तो मुझे ही प्रपोज किया। बस ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने मुझे भी प्रपोज किया। तो आपको चॉकलेट्स का भी अफसोस हुआ फिर? चॉकलेट का काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि मैं तो नहीं, बस ठीक है, चॉकलेट पसंद है मुझे। अच्छा, क्या नाम क्या था? अल्फाबेट बता दो पहला, नाम मेरे ख्याल से रहने दो, मेरी घर जाके टिक टिकी लग जानी। मेरे घर वालों ने कहना भाई इधर आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट लेके देता हूँ। अब तो टिक टिकी लग भी जाए तो कह रहा है। अच्छा, तो पहला था? पहला था आखिरी वाले को मसला होएगा ना, जो पहला था। अच्छा कमल, कभी फिल्म या ड्रामे की आपको ऑफर हुई हो? कभी नहीं, काफ़ी बार हो चुकी है, पर घर वाले यार मान जो खुदा का वास्ता, मुझे लग रहा है वो यहाँ नहीं मान रहे, तो लड़के के लिए कैसे मानेंगे, पता नहीं। अच्छा, अगर आपके पास इंडिया से ऑफर आए तो क्या आप? मैं पाकिस्तान रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। अच्छा कमल, थोड़ी सी पर्सनल टिक टिकी लगाने लगी हूँ आपको, तो आप बताइएगा, अगर आपको डेट करने का मौका मिले तो आप किसको करेंगी, हारिस या जुल्करनैन? यार किन्नू करा, दसो यार, तुम लोगों ने ना, मुझे लग रहा है मुझे मरवाना है, मुझे घर से मरवाना है, मुझे बाहर से मरवाना है, और मेरे दोस्त से भी मरवाना है, अगर डेट करने का मुझे मौका मिले। हारिस या जुल्करनैन? दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हैं, जुल्करनैन। बहुत सी बातों में टिकटिकी लगा ली है, अब थोड़ी सी रैपिड फायर की टिकटिकी लगा लेते हैं इनके साथ। जी कमल, लव या अरेंज? लव प्लस अरेंज। कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये है, पहले मैं मोहब्बत करूँगी और फिर मैं मोहब्बत में पागल कर दूँगी, और फिर मैं घर बता दूँगी, घर बताऊँगी कि माँ जी देखिए आपने खुद ही कहा था कि मुझे बता देना किसी के साथ भी आपका होगा, वो भी अपने घर बता देगा, तो घर वाले आपस में मिलेंगे, अरेंज हो जाएगी उनके लिए, अरेंज हमारे लिए ना। तो कोई मिला अभी तक? कोशिश जारी है। अभी पागल करने के प्रोसेस में? नहीं नहीं, पागल करने के नहीं, ऐसी मजाक कर रही हूँ, पर कोशिश जारी है। अच्छा, कोशिश जारी। शाहरुख खान या फवाद खान? फवाद खान। रीज़न, ये कोई लिंक तो नहीं है लव के और फवाद खान के? कुछ नहीं है, मुझे शाहरुख वैसे ही अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन पर्सनली मुझे फवाद बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस है आप? उनकी पर्सनैलिटी से। कॉफ़ी या टी? मूड पे डिपेंड करता है, मुझे दोनों चीज़ें बड़ी पसंद है। कॉफ़ी। मूड कैसा? टी हो तो कैसा मूड हो और कॉफ़ी हो तो कैसा मूड? जैसे अब ठंड है और मुझे कॉफ़ी चाहिए और इसके बाद आपने मुझे कॉफ़ी पिलानी है और टिक टिकी लगने के बाद कैसा मूड होगा? चाय पी लूँगी। नहीं, आप मुझे पानी पिला दीजिएगा टिक टिकी के बाद। सैड सॉन्ग्स या रॉक सॉन्ग्स? शादियों पे जितने मर्जी रो को मज़ा आ जाता है, पर आजकल सैड। क्यों, कोई ख़ास वजह? बस जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी दिए उतने ही कम दिए। अच्छा, आप लोगों के साथ बहुत कॉमन सेंस खेलती हैं, तो आज टिक टिकी आपके साथ कॉमन सेंस खेलने वाली है। एक आदमी 10 रुपए में गंजा होता है, तो 10 गंजे कितने में गंजे होंगे?
वो तो गंजे हैं पहले से। अब आएंगे मुझे समझ सवाल की, देखा वो गंजे हैं पहले से, वो क्यों गंजे होंगे, पैसे जाया करेंगे? नो 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 नो। अच्छा कवल, वो क्या चीज़ है जो एक औरत के आगे और काओ के पीछे होती है? जुबान। अच्छा सॉरी, वो कहाँ से होगी? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, औरत के आगे और एक गाय भैंस काओ के पीछे। पता है मुझे, पर मैं बताना नहीं चाह रही अभी। उसकी कोई कोई हिंट दे दे। पता है तो हिंट दबा ना। नहीं पता भाई, ये वजह यही है कि नहीं पता मुझे। ओके, खाओ धबू।